आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही मशहूर और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बिजल गढ़ा राजधानी लखनऊ पहुंची। राजधानी लखनऊ की समाज सेविका और सीनियर मेकअप आर्टिस्ट खुशबू गुप्ता ने एक मेकअप सेमिनार का आयोजन किया था जिसमें 200 से ज्यादा महिलाएं रहीं। दोस्तों, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बिजल गढ़ा ने कई सारे सेशंस यहां पर महिलाओं के लिए दिए जिसमें उन्होंने ब्यूटी टिप्स के साथ करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अपने गोल को आप अचीव करें और एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट आप बन सके, इसके बहुत सारे अनोखे टिप्स दिए। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से महिलाएं यहां पर आई हुई थी। निश्चित ही ये उनके करियर को बढ़ा देने वाला लखनऊ का पहला ऐसा सेमिनार साबित होगा जो एक मील का पत्थर बनेगा। हम आयोजक खुशबू गुप्ता जी से बात करेंगे और साथ ही कुछ जो प्रतिभागी यहां पर पहुंचे हुए मेकअप आर्टिस्ट पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि आज के लखनऊ के इस मेकअप सेमिनार से उनको क्या कुछ सीखने को मिला और उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं। मेरा नाम नेहा सोजन है, मैं अमेठी जिले से आई हूँ। और आज ये सेमिनार अटेंड किया, कैसा लगा? आप सेमिनार अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। और मैम, हाँ, बिजनेस के लिए जो भी कंडीशन बताया कि एक औरत के लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है, वाकई में जो भी उन्होंने कहा जिससे लग रही थी वो सारी चीजें मुझे ही कह रही है, क्योंकि मैंने भी अपना 7 साल का बच्चा घर पे छोड़ा हुआ है और 4 महीने की बच्ची आई हूँ। इस ठंड में मैम का सेमिनार करने के लिए, और बाकी मैं उनका नाम से भी अच्छा लगा जितना यहाँ अच्छा लगा। मैं 6 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं जैसे बिल्कुल मैम जीरो से हीरो बनी है, मैं भी चाहती हूँ कि मैम की तरह, जिस तरह से मैम आज इस स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ, उसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को यही लाइफ दे सकूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपनी देखी थी, वो अपने बच्चों के लिए मैं करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत सारे ने बात किया था और बिजल गढ़ा जी ने बहुत ही अच्छा मेकअप बारे किया, हेयर स्टाइल के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया और जिसने सभी ने सराहना भी की और बारीकियां सीखी। और मैं, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि सभी महिलाएं जिन्होंने प्रतिभाग किया यहाँ पर, जिन्होंने बारीकियां सीखी, वो आने वाले समय में अच्छा अपने सैलून को काफी आगे बढ़ाएंगी। और महिलाओं को गॉड ने महिलाओं को वैसे ही सुंदर बनाया है, लेकिन मेकअप महिलाओं को की सुंदरता में 4 चांद लगाया जा सकता है और इस तरह सभी ने आज यहाँ पे गुड सीखे और कुछ को बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो कंडीशन था लखनऊ का, सडनली स्ट्राइक हो गया हर चीज को लेके, मेरे यहाँ जो भी बच्चे आए, जो भी स्टूडेंट आए, वो भी काफी दूर से आए हैं, कुछ कोलकाता से आए, कोई पटना है, बिहार है, झांसी या अमेठी, मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे आए। कल की सिचुएशन को देख के हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था, हमने भी नहीं सोचा था कि बच्चे इतने आएंगे, बट बच्चों का सपोर्ट मिला मुझे कि बच्चों की मैं हेल्प कर पाई और बच्चे इतने दूर से आज आए हैं, मुझे भी अच्छा लगा कि इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आज हमारा सेमिनार हुआ है और इतने अच्छे से हुआ है, ये हमने भी नहीं सोचा था। कितने स्टूडेंट्स आज सेमिनार अटेंड कर रहे हैं? 100+ है, मतलब 150 के अंदर की पूरी गैदरिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिजल मैम भी मुंबई से आए और कल की सिचुएशन में मतलब सब कुछ डील करना है नॉल, तो वो सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था, बट भगवान ने इतना हेल्प किया है। और मॉर्निंग में भी काफी बारिश हो गई तो लग रहा था कि अब तो सेमिनार पूरा खराब ही हो जाएगा, बट तजबूत की भगवान की ऐसी कृपा रही हमारे ऊपर कि सारा सेमिनार बहुत अच्छे से डन हुआ, ऐसा सोचा नहीं था, उससे भी काफी अच्छा। खुशबू जी, आपकी श्री राम जानकी जन सेवा संस्थान भी आपकी है, उसमें भी आप कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैंसर का हमारी तरफ से जो भी पता है, जो हेल्प हम कर सकते हैं उनके लिए वो हम करते हैं, जैसे कभी हम उनको श्योर पाउडर होता है, कभी खाने पीने की चीज जो भी हमारे साइड से हो जाता है, जो पॉसिबल होता है वो हम करते हैं, जो हमारी अर्निंग होती है उसमें पार्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अपनी तरफ से क्या मैसेज करना चाहते हैं? मैसेज ये करना चाहते हैं मैम कि लाइफ में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने सोचा है तो हमें हमेशा उसको पॉसिबल करने की ओर ही बढ़ना चाहिए और कोशिश करने से ही चीजें पूरी होती है। खुशबू जी मेकअप के फील्ड में बहुत सालों से काम कर रही, बहुत इन्होंने मेहनत की है लखनऊ में और आज ये इनका दूसरा ये सेमिनार है जिसमें पूरे देश से बहुत लोग आए और जैसा कि बताया है खुशबू जी ने कि कल जैसा माहौल था उम्मीद नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ जो भीड़ है लगभग 200 बच्चे हैं
और बिजल गाड़ा जी मिस आए हैं, तो उसको देख के लगता है कि खुशबू जी की मेहनत में दम था, तभी ये सेमिनार इतना अच्छे से संपन्न हो पा रहा है। और समय समय पर जो खुशबू जी करती रहती हैं महिलाओं के लिए, ये गरीब बच्चों को मतलब ट्रेनिंग देना, इस तरह के मेकअप उनको आत्मनिर्भर बना रही है, जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार का भी एक मैसेज जा रहा है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ताकि वो किसी पे बोझ ना होकर अपने से स्वयं से कमा के अपना जीवन हमेशा अच्छे से चला सके। और इसके लिए मैं खुशबू जी को बहुत बहुत पहले से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करती हैं। और ये और इससे बड़े सेमिनार कर रहे हैं और देश भर में इनके सेमिनार है, ऐसी इनको बहुत बहुत हार्दिक।